साहब अक्टूबर में इंशाल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। उमर अताब बंदियाल साहब ने इमरान नियाजी का जेल में जो हाल अहवाल है उसके बारे में तो उनको बड़ा याद आया और उन्होंने पूछा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तय हो गई। उमर अताब बंदियाल साहब को चेयरमैन पीटीआई का जेल में ख्याल आया। बाज़ अफराद की वजह से इंसाफ का निजाम तबाह बर्बाद कर दिया गया। इन ख्यालात का इजहार किया है साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने। लंदन में इलाज की गर्ज़ से कयाम पजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तय हो गई। नून लीग के इजलास के बाद नवाज शरीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के सामने हकायक आ चुके, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। अकामा का जो फैसला किया गया वो बददियानती पर मबनी था। उन्होंने कहा कि पैनामा में 400 से 450 कई दूसरे नाम भी थे और नवाज शरीफ का दूर दूर तक नाम नहीं था। पैनामा में शामिल दूसरे लोगों को पूछा तक नहीं गया, जबकि नवाज शरीफ को पैनामा केस में साजिश से मुलव्वस किया गया। एक बेंच ने पैनामा से अकामा का फैसला किया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि उमर अताब बंदियाल साहब को चेयरमैन पीटीआई का जेल में ख्याल आया। नवाज शरीफ और उनकी बेटी को पहली रात जेल में जमीन पर सुलाया गया और कहा गया कि जेल का खाना खाना पड़ेगा। उस वक्त उमर अताब बंदियाल कहाँ थे, उस वक्त क्यों याद नहीं आया कि ये नाइंसाफी की आखिरी हद है। बाज़ अफराद की वजह से इंसाफ का निजाम तबाह बर्बाद कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इजलास में तय पाया है कि नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और वापस आकर कानून का सामना करेंगे। इससे कबल कायद नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का अहम इजलास हुआ। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के दफ्तर में होने वाले इस इजलास में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, सेनेटर अफनानुल्लाह खान, जुगनू मोहसिन, सुलेमान शहबाज, हसन नवाज, जुबैर गिल, लीगी रहनुमा खुरम भट्ट और दीगर शरीक थे।